हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BBVN ऑनलाइन क्लासेस। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर हमें डिग्री वाला क्वेश्चन थोड़ा आप दोबारा कराएं, कुछ समझ कम आया हमें, डिग्री कैसे हम डिफाइन करें, अगर हमसे डिग्री के बेसिस पे कुछ पॉलिनोमियल्स पूछे जाए तो हम कैसे PX, GX, QX, RX जो भी हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके एग्जांपल्स कैसे दें। तो क्वेश्चन ये था कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है ना, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। क्वेश्चन ये था कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, आप कुछ पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल दीजिए जिनमें PX होगा आपका, GX होगा, QX होगा, RX होगा, विच सेटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिथम। ये जो PX, QX होंगे आपके, ये किसको सेटिस्फाई करेंगे बेटा? डिविजन एल्गोरिथम को। एंड फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ PX इज डिग्री ऑफ QX। आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स देने हैं कि वो एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करें, और उस केस में डिग्री ऑफ PX इक्वल टू क्या हो? डिग्री ऑफ QX हो। सेकेंड केस में डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। एंड थर्ड वन इज डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। आपको ये पता है, वी नो दैट बाय डिविजन एल्गोरिथम, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है वो ये कहता है अगर PX हमारा कोई पॉलिनोमियल है और GX कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल जिसका हम इसमें डिवाइड करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट QX एंड RX सच दैट PX इज इक्वल टू GX इनटू QX प्लस आवर रिमाइंडर RX, सच दैट डिग्री ऑफ दिस RX, डिग्री ऑफ RX ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ GX, डिग्री ऑफ GX। एंड दूसरी कंडीशन ये भी कह सकते हैं, या फिर डिग्री ऑफ जो RX होगी दैट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो सर PX हमारा होगा, अगर हमने उसमें GX का डिवाइड किया तो क्वेश्चन QX की फॉर्मेट में आएगा और रिमाइंडर क्या होगा बेटा हमारा? RX। देन दिस रिमाइंडर RX इज ऑलवेज द डिग्री लेस देन, इसकी जो डिग्री होगी बेटा वो हमेशा GX से क्या होती? कम होती है। अब ये कहता है क्वेश्चन में कि आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दीजिए PX के, GX के, QX के और RX के, जो एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करें आपको और इन सभी कंडीशंस को भी फुलफिल करें। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि डिग्री ऑफ PX इक्वल टू डिग्री ऑफ क्या होनी चाहिए? QX। डिग्री ऑफ PX इक्वल टू क्या होनी चाहिए? डिग्री ऑफ QX। एक बात देखिए, आप लिखते हैं कि PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस आवर रिमाइंडर व्हाट? RX, ये लिखते हैं। तो इस केस में देखिए आप, नॉर्मल जो PX की डिग्री होगी वो GX की डिग्री इंटू QX की डिग्री होगी। मान लीजिए यहाँ GX की डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ भी लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर जब मल्टीप्लाई होंगे पॉलिनोमियल तो कैसा बन जाएगा वो? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2। इट मीन्स PX की डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास? 2। तो ये तो क्लियर हुआ कि PX की जो डिग्री होगी वो हमेशा GX से, QX से और RX से क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। अब ये कहता है क्वेश्चन में कि आप डिग्री ऑफ PX, इस PX की डिग्री किसके इक्वल करना चाहते हैं? QX की। मान लीजिए मैंने PX जो पॉलिनोमियल है वो ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल x+3, तो QX पॉलिनोमियल जो होगा बेटा वो भी कैसा होगा? डिग्री 1 का। क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है ना कि डिग्री ऑफ PX इक्वल टू व्हाट? डिग्री ऑफ GX। मान लीजिए मैंने QX का ले लिया x+1, देखिए दोनों की डिग्री क्या है? सेम है। दोनों की डिग्री सेम है कि नहीं है? अब बात ये आती है कि सर जो आप GX लेंगे ना, जो GX लेंगे वो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा जिससे जब GX और QX की मल्टीप्लाई हो तो PX पे कोई फर्क ना पड़े। जब GX और PX की मल्टीप्लाई हो तो उसकी डिग्री में कोई चेंज ना आए, क्योंकि कंडीशन हमारे पास ये है डिग्री ऑफ PX इज इक्वल टू व्हाट? डिग्री ऑफ QX। तो मैंने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया PX का, तो लीनियर पॉलिनोमियल कैरिंग डिग्री 1, तो सेम पॉलिनोमियल हमें किसका लेना होगा? QX का। क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि डिग्री हमें इक्वल रखनी है सर। अब इक्वल जो डिग्री मेरे को अगर इक्वल रखनी है दोनों की, तो जो QX होगा वो डिग्री किसकी, उसकी डिग्री क्या कहेंगे हम? 0। क्योंकि अगर आपने लीनियर भी लिया यहाँ पे तो दोनों की मल्टीप्लाई होकर डिग्री 2 हो जाएगी, दैट नॉट इक्वल टू द डिग्री ऑफ PX। दैट्स वाई वी टेक एन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज डिग्री ऑफ 0 इज व्हाट? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो मान लीजिए वो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हमने कोई a ले लिया, इनटू में ये आपका GX हो गया, सीधी सी बात है कि RX की डिग्री GX से कम होगी,
आप लेस देन इक्वल टू भी दे सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू में आएगा नहीं यहाँ, क्योंकि इक्वल टू तो डिवाइड होता है आपका। तो बोले सर आर एक्स की डिग्री जी एक्स से कम होती है, आर एक्स की डिग्री आपकी जी एक्स की डिग्री जीरो है, तो आर एक्स की डिग्री माइनस वन तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि अगर ये माइनस की डिग्री हो जाएगा तो क्या ये पॉलीनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देन इन सच केस द आर एक्स इज ऑलवेज द डिग्री ऑफ व्हाट? जीरो। तो ये जीरो होगा तो इसका मतलब डिग्री जीरो, तो अगेन कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, वो हमने कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल क्या दे दिया? बी दे दिया। देयरफॉर अगर मैं इसको सोल्व करूँ, एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी, एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज ए एक्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म ना, तो ये इसके इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए एक्स एंड दिस थ्री इक्वल टू बेटा ए प्लस बी। तो यहाँ से बेटा ए कितना आ जाएगा? वन, क्योंकि कोफिशियंट इक्वेट कर रहे हो ना, एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे? वन, और यहाँ एक्स का ए, ए इज व्हाट? वन। ए वन रखोगे तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से? टू। अब ये ए बी की वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो एक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा आपके पास? ए कितना है? वन, प्लस प्लस नहीं आपका इन टू में एक्स प्लस वन है, और बी कितना है बेटा आपका? टू। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू व्हाट? एक्स प्लस वन प्लस टू, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वन ही आना आपका, और प्लस क्या है? टू। देयरफॉर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू व्हाट? एक्स प्लस थ्री। ये आपका एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो गया, ये आपका एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई होगा। देखिए ना, एल्गोरिथम आपका पी एक्स जो हमने रखा था उसमें स्टेटमेंट में जो रखा है उसमें ए की बी की जो वैल्यू रखी थी उसमें मेरा पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स, बट ध्यान में रहे कि कंडीशन आपके पास जो दी हुई है उनका यूज़ करना परफेक्ट वे में, ठीक है? एक और देखते हैं, सेकेंड वन इसका, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। अब क्यू एक्स क्या है आपका? वही क्वेश्चेंट, और आर एक्स आपका क्या है? रिमाइंडर। तो इस केस में क्या होगा? बोले सर वही फॉर्मेट अपनाएंगे हम, डिग्री मैच करते चलेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे कि जो पी एक्स की डिग्री वो हमेशा इन सबसे क्या रहनी चाहिए? ज़्यादा रहनी चाहिए। तो ये कहता है कि मान लीजिए मेरे पास जो पी एक्स था, मान लीजिए मेरे पास जो पी एक्स था वो इस तरह से था, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस व्हाट? रिमाइंडर आर एक्स। ये था सर, इसमें डिग्री का मेरे पास ये फंडा है, ठीक है? अब ये कहता है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स होनी चाहिए, यानी कि क्यू एक्स की जो डिग्री होगी वो किसके इक्वल होगी? आर एक्स की डिग्री के इक्वल। तो बोले एक बात बताओ सर कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मान लीजिए आपने लीनियर पॉलीनोमियल एक्स प्लस वन ले लिया, तो इसकी डिग्री मान लीजिए आपने एक्स प्लस टू ले, इसका एक्स प्लस थ्री ले लो, इसको एक्स प्लस वन ले लो, दोनों की डिग्री क्यू एक्स की और आर एक्स की सेम है कि नहीं बेटा? क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री मैंने सेम की। अब आप थोड़ा सा दिमाग में सोचो कि मान लीजिए मैंने पी एक्स में डिवाइड किया जी एक्स का, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्यू एक्स आया था और रिमाइंडर मेरा क्या आया था? आर एक्स। हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसमें हमने किसका डिवाइड किया? मान लीजिए हमने इसमें डिवाइड किया एक्स प्लस वन का, तो कितने में जाएगा पहले एक्स पे? तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस, कैंसिल डाउन, टू एक्स माइनस एक्स दिस इज प्लस वन, फिर किस पे जाएगा? वन पे, एक्स प्लस वन, ये कैंसिल डाउन, ठीक है? तो मान लीजिए मैं थ्री एक्स कर दूँ तो ये टू एक्स बचेगा यहाँ पे, तो ये एक्स आपका एग्जांपल यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। अब एक्स प्लस वन है यहाँ, एक्स है, तो इस केस में देखो डिग्री ऑफ क्यू एक्स है वो डिग्री ऑफ आर एक्स के इक्वल नहीं है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स नहीं है, है सर? अब यहाँ पे एक बार और डिवाइड कर सकते हैं वन से, है ना? आप यहाँ एक बार और वन से डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं आप ले सकते हैं खुद अपने हिसाब से, बस ध्यान में ये है कि जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में डिग्री के बेसिस पे कि आपको इस क्यू एक्स की डिग्री किसके इक्वल करनी है? आर एक्स के इक्वल। तो आपने क्यू एक्स की डिग्री मान लीजिए कोई फंक्शन ले लिया आपने लीनियर, तो आर एक्स भी कैसा होगा आपका? कोई लीनियर फंक्शन होगा क्योंकि डिग्री इसके इक्वल है। तो सिंपली अगर आप जी एक्स की डिग्री क्या लें, लीनियर भी ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए आपने इसकी क्वाड्रेटिक ले ली एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू आपने ये ली, तो बोला सर एक बात बताओ डिग्री ऑफ जो पी एक्स आएगी वो कितनी आ जाएगी? देखो टू तो ये है बेटा, वन ये है, ये मल्टीप्लाई होने आपस में, ये क्या होने हैं? मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई होंगे आपके तो डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी हो जाएगी? थ्री, एंड दैट ऑलवेज ग्रेटर देन पी एक्स की डिग्री इन सबसे क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। तो बोला सर डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आपने आर एक्स ली। अब ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने जी एक्स आपका कोई पॉलीनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक ले लिया, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस टू है, एक्स इन दोनों से करनी है, एक्स की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है, तो जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, फिर थ्री से करनी है थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस 3 2 6 और प्लस में क्या है x प्लस 1। दिस इज व्हाट x क्यूब, दिस इज 3x स्क्वायर। 2x प्लस x इज व्हाट 3x एंड 6 प्लस 1 इज व्हाट 7 और ये आपका px आएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको अगर वेरीफाई करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 को, क्योंकि gx आपने ये लिया है। मैं डिवाइड आपको करके दिखाता हूँ, देखिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अगर मैं इसमें x स्क्वायर प्लस 2 का डिवाइड करता हूँ, देखिए x स्क्वायर कितने में जाएगा बेटा, x पे ये गया x क्यूब और ये हो जाएगा बेटा आपका 2x, माइनस माइनस कैंसिल डाउन, दिस इज 3x स्क्वायर और यहाँ से कितना बचेगा x, x स्क्वायर सिर्फ 3 पे जाएगा, देखो 3x स्क्वायर 3 2 6 माइनस दिस माइनस कैंसिल डाउन, दिस इज व्हाट x 7 - 6 1 प्लस का। तो देखो ये आपका क्या आ गया बेटा qx, ये आपका क्या आ गया rx, ये आपका क्या आ गया gx और ये क्या आ गया आपका px। तो px अगर आपने ये लिया इस तरह का, तो ये आपका gx था, ये आपका qx था और ये क्या था rx। देखिए x square plus 2 gx ये रहा सर, x square plus 2 x plus 3 ये आपका qx रहा, रिमाइंडर क्या है आपका x plus 1 ये रहा और ये आपका px रहा। इस तरह से आपको एग्जांपल खुद को एज्यूम करने हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप डिराइव कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट जो कंडीशन क्वेश्चन में आपको दी है वो आपको रखनी है। एंड लास्ट वन इज डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि डिग्री ऑफ rx का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोई कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। तो कह रहा है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर rx। तो इस केस में अगर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल अगर आप जीरो कर रहे हो rx की, तो अगर डिग्री जीरो हो तो कोई कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसमें आप क्या ले सकते हैं x प्लस 1 लीनियर पॉलीनोमियल, इसमें आप क्या ले सकते हैं x प्लस 3 कोई दूसरा पॉलीनोमियल। तो सीधी सी बात है कि इनकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा एक्स के, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका ये 4x प्लस 3। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इनकी मल्टीप्लाई आप कर रही है आपने, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर से वही 4x प्लस 3 प्लस के। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल आप देखें को थोड़ा इससे ईजी लगे आपको, डिग्री ऑफ rx 0 है इसका मतलब कोई कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल हमारा ये के होगा। आपने कॉन्स्टेंट ले लिया x प्लस 2, आपने gx कुछ भी लिया कोई पॉलीनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लिया, तो इनकी मल्टीप्लाई जो करोगे वो यहाँ लिखोगे आप, और वो लिखने के बाद कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल k 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी वैल्यू आपकी एज्यूम कर सकता है, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आप लेंगे वो सारे आपको डिफाइन करने होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं ऐसे, देर आर सो मेनी इनफाइनाइट एग्जांपल्स, वी सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन एंड द एल्गोरिथम। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 2.3 का, और इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते। एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए डिग्री के बेसिस पे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो आप इस एल्गोरिथम को याद रखें कि इसमें डिग्री जो px होती है वो हमेशा gx और qx से क्या होती है ज़्यादा होती है, डिग्री ऑफ rx हमेशा gx से लेस देन या फिर डिग्री ऑफ rx क्या होती है जीरो होती है। तो ये आपका कंप्लीट पॉलीनोमियल चैप्टर था, ये आज आपका ख़त्म होता है। आपका होमवर्क और आपके लिए काम यही है कि जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं कंसर्न एक्सरसाइज के और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट सॉल्व करने हैं, ठीक है। In the next video, we are going to start our new topic and the new lesson and the new chapter, that is pair of linear equation in two variables. 9th में आपने one variable में पढ़ा था, two variable में linear equation थी एक, अब पढ़ेंगे pair में pair of linear equation in two variable. तब तक के लिए homework करें, notebook को maintain रखें, thank you, have a nice day.